प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज फिर आपके समक्ष कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का भाग 3 प्रस्तुत कर रहा हूँ। बच्चों, ये हमारा इस पाठ का आज तीसरा भाग है और पहले भाग में हमने आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के बारे में पढ़ा था, साथ ही हमने मेंडल के वंशागति के नियम देखे थे, जो 3 नियम थे उनको देखा गया था और बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस देखा गया था। मेंडल के नियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रमुख नियम है जेनेटिक्स के, आनुवंशिकी के, परंतु इनके भी अपवाद मौजूद हैं और इनके अपवाद होने की वजह से ये सर्वमान्य नहीं है। तो हमने भाग 2 में मेंडल के वंशागति के नियम से विचलन देखा था और चूंकि इस समय तक गुणसूत्रों की खोज हो चुकी थी और गुणसूत्र तथा मेंडल के कारकों के बीच में समानताएं देखी जा चुकी थी, और हमने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत भी भाग 2 में देखा था, आज इस भाग 3 में हम सहलंकता एवं जीन विनिमय देखेंगे। सहलंकता जो आने वाली पीढ़ियों में पैतृक संयोगों को जन्म देता है, यानी जो पूर्वजों के अंदर जो जीन की या फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन मौजूद हैं उनको जन्म देता है। साथ ही हम जीन विनिमय देखेंगे जो आने वाली पीढ़ियों में नए संयोगों को जन्म देता है, नए कॉम्बिनेशंस को बनाता है। तो किस प्रकार पैतृक संयोग बनेंगे और किस प्रकार नए संयोग बनेंगे, इसको हम सहलंकता एवं जीन विनिमय में देखेंगे, और साथ ही सहलंकता एवं जीन विनिमय का उपयोग जेनेटिक मैप बनाने यानी क्रोमोसोमल मैप बनाने के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार क्रोमोसोमल मैप बनता है और इसका क्या उपयोग है, ये भी देखा जाएगा। और इसी भाग में हम लिंग निर्धारण यानी जीवों के अंदर किस प्रकार नर और मादा के विभेद पाए जाते हैं इसको भी देखा जाएगा, और ये लिंग निर्धारण अलग अलग जीवों में किस प्रकार होता है ये देखा जाएगा। इससे पहले कि मैं अपना भाग 3 शुरू करूं, मैं आपको मेंडल के वंशागति के नियम के बारे में एक बात याद दिला दूं। मेंडल ने अपने वंशागति में कारकों के बारे में बताया था, इन्होंने बताया था कि लक्षणों की वंशागति कारकों के द्वारा होती है, और मेंडल ने दो जीन की वंशागति बताया था, तो उन दो जीन की वंशागति में जो मेंडल के कारक थे, दो जीन थी, दो अलग अलग लक्षणों की जीने थी, वो अलग अलग गुणसूत्रों पर मौजूद थी, जो यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। तो मेंडल की जो कारक थे, जीन्स थे, वे अलग अलग गुणसूत्र पर मौजूद थी। मेंडल के कारकों को सन 1909 में जोहानसन ने जीन्स कहा था, तो ये जीन्स अलग अलग गुणसूत्र पर मौजूद थी। और जब हमने F2 पीढ़ी को देखा था तो F2 पीढ़ी में 9, 3, 3 और 1 का रेशियो हमको प्राप्त हुआ था। जब संकर में युग्मक बने थे तो संकर में जो युग्मक बने वो कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल R और स्मॉल Y स्मॉल R प्रकार के थे। चूंकि कैपिटल Y कैपिटल R और स्मॉल Y स्मॉल R ये पूर्वजों में बन चुके हैं और ये आने वाली पीढ़ियों में जनकी प्रकार को जन्म देंगे, जनकी प्रकार यानी जो पूर्वजों के अंदर कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं उनको जन्म देंगे, तो इनसे आने वाले समय में पूर्वजी संयोग बनेंगे, अगली पीढ़ी में पूर्वजी संयोग बनेंगे। साथ ही ये नए प्रकार के संयोग बन रहे हैं जो ये पुनर्योजी प्रकार के युग्मक हैं, और ये आने वाली पीढ़ियों में नए कॉम्बिनेशंस को जन्म देंगे, इसलिए इनको पुनर्योजी प्रकार कहा गया है। मान लेते हैं कि मेंडल के जो फैक्टर्स थे वो अलग अलग गुणसूत्र पर ना होकर एक ही गुणसूत्र पर होते तो क्या होता। अगर मेंडल के फैक्टर्स या जीन्स एक ही गुणसूत्र पर होते तो F1 पीढ़ी में जब युग्मक बनता तो ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, और जब ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते तो एक साथ ही ये एक युग्मक के अंदर जाते, कैपिटल Y कैपिटल R एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता और एक साथ ही ये युग्मक में प्रवेश करता। इसी प्रकार स्मॉल Y स्मॉल R ये भी एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाता और ये भी एक युग्मक में प्रवेश करता, और जब ये आने वाली पीढ़ी में जब हम इसका फीनोटाइपिक रेशियो देखते तो हमको 3 और 1 का फीनोटाइपिक रेशियो मिलता। यहाँ पर जो युग्मक बन रहे हैं वो जनकी प्रकार के हैं, यानी पूर्वजों में ये पहले प्राप्त हो चुके हैं, तो ये आने वाले पीढ़ी में ये हमको पूर्वजों के संयोग देंगे। तो इससे साफ पता चलता है बच्चों कि अगर जीन्स एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं तो वो वंशागत होते समय एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाती हैं, और जब वो एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाएंगी तो इसी को कहा जाता है सहलंकता,
और ये आने वाले समय में जनकी यानी पूर्वजी संयोगों को जन्म देती हैं। तो अब अगर बात किया जाए सहलग्नता किसे कहते हैं, तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा अपने उसी संयोग में रहते हुए, यानी अगर जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं और युग्मक बनते समय ये एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाएंगी, इसी को कहा जाता है सहलग्नता। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा अपने उसी संयोग में रहते हुए साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति को सहलग्नता कहा जाता है। तो इस टेंडेंसी को कि जीन अलग नहीं हो पा रही हैं, जब युग्मक बन रहा है तो वो एक साथ युग्मक में जा रही हैं, इसको सहलग्नता कहा जाएगा। और एक गुणसूत्र पर जितनी भी जीन उपस्थित हैं वो एक युग्मक में साथ जाने का प्रयत्न करेंगी, ये सहलग्नता कहलाता है। एक गुणसूत्र पर जितनी भी जीन हैं ये एक ग्रुप बनाती हैं, सहलग्न समूह बनाती हैं। चूँकि डिप्लॉयड जीवों में जो समजात गुणसूत्र हैं, जो जोड़े में रहते हैं, उनमें जीन का अरेंजमेंट गुणसूत्रों पर समान होता है, इसलिए एक समजात जोड़े को एक सहलग्न समूह कहा जाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र युग में स्थित समस्त एलील एक सहलग्न समूह बनाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसका मतलब मनुष्य में 23 सहलग्न समूह पाए जाते हैं। अगर हम सहलग्नता के प्रकार की बात करें तो सहलग्नता अगर जीन बहुत ही पास पास स्थित है, तो पास पास स्थित होने की वजह से युग्मक बनते समय ये एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाएंगी और इसको पूर्ण सहलग्नता कहा जाएगा। और अगर जीन गुणसूत्र पर दूर दूर उपस्थित हैं तो युग्मक बनते समय ये इनके अलग होने की चांसेस बढ़ेंगी, ये अलग हो सकती हैं, तो इसको अपूर्ण सहलग्नता कहा जाता है। जब गुणसूत्र पर स्थित जीन्स एक दूसरे के बहुत पास पास स्थित होते हैं तो युग्मक निर्माण के समय यह एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाते हैं, इसको पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। और अगर जीन दूर दूर स्थित हैं तो युग्मक बनते समय ये अलग हो सकती हैं और इसको अपूर्ण सहलग्नता कहा जाएगा। पूर्ण सहलग्नता पैतृक संयोगों को जन्म देती है। अभी हमने अपने इस क्रॉस में देखा, अगर जीन बहुत पास पास है तो ये जो है पैतृक संयोगों को यानी जनकी संयोगों को जन्म दे रही है। तो अगर पूर्ण सहलग्नता है तो ये पैतृक संयोग बनाएगी, और अगर अपूर्ण सहलग्नता है तो ये पैतृक संयोगों के साथ साथ नए संयोगों का भी निर्माण करेगी। साथ ही पूर्ण सहलग्नता नेचर में बहुत कम पाई जाती है, अपूर्ण सहलग्नता प्रकृति में अधिक पाई जाती है। सहलग्नता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सहलग्नता आने वाली पीढ़ियों में पैतृक संयोगों को यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जो पेरेंट्स के अंदर कॉम्बिनेशंस जीन्स के मौजूद हैं उन्हीं कॉम्बिनेशंस को बनाए रखता है, इनसे आने वाली पीढ़ियों में समानताएं बनी रहती हैं। साथ ही अभी हम इसी वीडियो के आगे वाले आने वाले टॉपिक में देखेंगे कि सहलग्नता का उपयोग क्रोमोसोमल मैप बनाने में भी किया जाता है। बच्चों, सहलग्नता एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, परंतु हमने यहाँ पे जब बात किया कि जब अपूर्ण सहलग्नता यानी जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर है तो इनके अलग होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, तो आखिर वो क्या चांस हैं, तो ये जीन एक ही क्रोमोसोम पे तो आखिर कैसे ये अलग हो जाती हैं, इसको देखने के लिए और समझने के लिए हम चलते हैं जीन विनिमय के ऊपर। कि अगर जीन्स एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं लेकिन उनमें अपूर्ण सहलग्नता है यानी वो गुणसूत्र पर दूर दूर उपस्थित हैं, तो किस प्रकार उनके अलग होने के चांसेस बढ़ जाती हैं, ये कहलाता है जीन विनिमय। यानी जीन विनिमय समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के खंडों के मध्य होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय कहा जाता है। तो पहले बात करते हैं समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र चूंकि डिप्लॉयड में द्विगुणित में जो गुणसूत्र हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के समय वो जोड़ा बना लेते हैं, तो उन जोड़े में जो एक जोड़ी गुणसूत्र हैं उनको समजात गुणसूत्र कहा जाएगा। और जब अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी स्टेज आएगी यानी पहली स्टेज लिप्टोटीन, ये गुणसूत्र मोटे हो जाएंगे, फिर दूसरी स्टेज जाइगोटीन, और जाइगोटीन में ये गुणसूत्र अपने क्रोमैटिड में टूट जाएंगे, और जब ये क्रोमैटिड में टूट जाएंगे, दोनों गुणसूत्र अपने क्रोमैटिड में टूट जाएंगे, तो एक ही गुणसूत्र के दो क्रोमैटिड, इनको सिस्टर क्रोमैटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि समजात गुणसूत्र के अलग अलग क्रोमैटिड को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाएगा, और इन्हीं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच आदान प्रदान की क्रिया को जीन्स के आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय कहा जाता है। जीन विनिमय
ये अर्धसूत्री विभाजन की पैकिटीन अवस्था में होती है और इसमें कायज माटा का निर्माण होता है। ये आइए प्रक्रिया को देखते हैं तो समझ में आएगा कि किस प्रकार कायज माटा बनता है। अगर हम जीन विनिमय की प्रक्रिया को देखें तो इससे पहले कि मैं इस प्रक्रिया की बात करूं, मैं आपको अर्धसूत्री विभाजन थोड़ा याद दिला देता हूं, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज़ वन को 5 स्टेज में बांटा गया है। पहली स्टेज लिप्टोटीन, जो गुणसूत्र हैं वो मोटे हो जाएंगे और उनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। फिर आएगी जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज में जो जोड़ीदार क्रोमोसोम है, समजात गुणसूत्र हैं, वो एक साथ आकर के जोड़ा बना लेंगे और इसको साइनेप्सिस कहा जाता है। ऐसे क्रोमोसोम जो जोड़ा बना रहे हैं इनको बाइवेलेंट कहा जाएगा। फिर जाइगोटीन स्टेज में ही ये गुणसूत्र क्रोमैटिड्स में टूट जाएंगे और अब इन क्रोमोसोम्स को या गुणसूत्र को टेट्राड या टेट्रावेलेंट क्रोमोसोम कहा जाएगा। जाइगोटीन अवस्था में युग्मित गुणसूत्र 2 लंबवत क्रोमैटिड में बढ़ जाते हैं और प्रत्येक बाइवेलेंट में 4 अर्ध गुणसूत्र होते हैं, डायग्राम में दिख रहा है। तो चूंकि यहाँ गुणसूत्र में डीएनए की मात्रा बढ़ रही है तो इस स्टेज को गुणसूत्रों का द्विगुणन कहा जाएगा। फिर पैकिटीन अवस्था में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे और कायज़माटा का निर्माण होगा और इसी पैकेटीन स्टेज में जीन विनिमय होगा, यानी इनका खंड उधर, उनका खंड इधर, दोनों के बीच में खंडों का आदान प्रदान होगा और जो एंजाइम इन खंडों का आदान प्रदान करा रही है यानी जीन विनिमय करा रही है उसका नाम है रिकॉम्बिनेज। जब जीन विनिमय पूरा हो जाएगा तो जीन विनिमय के बाद अब ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र अब अलग होने की कोशिश करेंगे। इसको कहा जाता है उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन। क्रॉसिंग ओवर के पश्चात नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने लगते हैं तो इसको उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। जब मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाएगा तो इसमें युग्मकों का निर्माण होगा और जो युग्मक बनेंगे वो 2 प्रकार के होंगे, एक जनकी प्रकार जिनका कॉम्बिनेशन पूर्वजों में मौजूद है और एक पुनर्योजी प्रकार जिनका कॉम्बिनेशन पूर्वजों में नहीं उपस्थित है। ये नए प्रकार के युग्मक हैं और आने वाली पीढ़ियों में ये नए संयोगों को जन्म देने वाले हैं। इसलिए जीन विनिमय में 50% तक पैतृक संयोग बनते हैं और 50% तक नए संयोगों का जन्म होता है। जीन विनिमय 3 प्रकार का है। कायज़माटा के निर्माण के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है। अगर एक कायज़माटा बना तो एकल विनिमय, अगर 2 कायज़माटा बना तो द्विविनिमय और अगर 2 से अधिक कायज़माटा बना तो बहुविनिमय। तो इस प्रकार कायज़माटा के निर्माण के आधार पर ये जीन विनिमय 3 प्रकार का है, एकल विनिमय, एक कायज़माटा, द्विविनिमय, 2 कायज़माटा और 2 से अधिक कायज़माटा तो बहुविनिमय। जीन विनिमय एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जीन विनिमय से सिद्ध होता है कि जीन पंक्तिबद्ध ढंग से विन्यसित होती हैं और इनके लीनियर सीक्वेंस का भी पता चलता है और साथ ही जीन विनिमय की सहायता से गुणसूत्रों के संलग्न मानचित्र यानी कि लिंकेज मैप या क्रोमोसोमल मैप भी बनाए जाते हैं, जो अभी हम देखेंगे कि जीन विनिमय और लिंकेज की मदद से हम क्रोमोसोमल मैप किस प्रकार बना सकते हैं और उससे हम जीन के लीनियर सीक्वेंस को अरेंज कर सकते हैं। जीन विनिमय के फल स्वरूप नए संयोग बनते हैं। हमने अभी देखा कि जो पैतृक संयोग नहीं है वो संयोग बनेंगे और इससे जो है जीन पूल में, जो जाति का जीन पूल है, उस जीन पूल में जीन आवृत्तियों में परिवर्तन होगा और जब परिवर्तन होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवर्तन बढ़ता जाएगा और एक समय में नई जातियों का विकास हो जाएगा। तो जीन विनिमय और लिंकेज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनकी संकल्पना सबसे पहले मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। तो आइए मॉर्गन की संलग्नता संकल्पना को भी देखते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि इन्होंने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के किस प्रकार प्रयोग करके संकल्पना प्रस्तुत किया था। मॉर्गन ने बताया कि जीन्स जितना पास होंगी उतना उनके युग्मक में अलग होने के चांसेस कम हो जाएंगे और जितना दूर होंगी उतना उनके अलग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी संलग्नता की यथार्थता संलग्नी जीन्स के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। दूरी बढ़ेगी अलग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, दूरी घटेगी अलग होने के चांसेस कम हो जाएंगे।
सहलग्नी जीन्स के बीच की दूरी बढ़ते जाने पर उनके साथ साथ वंशागत होने के अवसर कम हो जाते हैं, ये हमको आइडिया लग भी चुका है पीछे जब हम देख रहे थे। और मॉर्गन के अनुसार गुणसूत्रों के पैतृक संयोगों के विखंडन, चूंकि जीन विनिमय ये जो है पैतृक संयोगों का विखंडन कर रहा है और नए संयोगों को जन्म दे रहा है, तो पैतृक संयोगों के विखंडन एवं उनके पुनः संयोजन से नए संयोग बनते हैं और इसी को मॉर्गन ने जीन विनिमय कहा था। मॉर्गन ने जो अपना प्रयोग किया था वो ड्रोसोफिला पे किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जिसको फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी कहा जाता है। इस पे प्रयोग करने के कई फायदे थे, क्योंकि इन मक्खियों को लैब में सरल कृत्रिम माध्यमों पर आर्टिफिशियल मीडियम पे आसानी से रखा जा सकता है। इनका जीवन चक्र छोटा होता है, 2 सप्ताह का, तो कई जनरेशन को देखा जा सकता है। साथ ही एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति मक्खियों को पैदा किया जा सकता है, उनका उत्पादन संभव है, तो आने वाली पीढ़ियों में ज़्यादा मक्खियाँ मिलने से हमारे रिजल्ट अच्छे बनते हैं। और इन मक्खियों में लिंग का विभेदन बहुत स्पष्ट था, इनमें नर और मादा को पहचाना जा सकता है, और साथ ही इनमें आनुवंशिक विविधताओं के जो अनेक प्रकार हैं उनको माइक्रोस्कोप से भी देख के पहचाना जा सकता है। तो इन फायदों की वजह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को चुना, और इन्होंने जो इस पे 2 जीन की वंशागति कराया उसमें इन्होंने 2 लक्षणों को चुना, शरीर का रंग, मक्खी के शरीर का रंग और पंखों के प्रकार। शरीर के रंग में 2 विपर्यासी लक्षण हैं, स्लेटी और काला, और पंखों के प्रकार में लंबा और अल्पविकसित, इनके एलील सामने दिए हुए हैं, स्लेटी के लिए कैपिटल बी, काले के लिए स्मॉल बी, लंबे के लिए कैपिटल बी और अल्पविकसित के लिए स्मॉल बी। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला की स्लेटी रंग एवं अल्पविकसित पंख, स्लेटी रंग कैपिटल बी, अल्पविकसित पंख स्मॉल बी, तथा काले रंग एवं लंबे पंखों, काले रंग स्मॉल बी, लंबे पंख कैपिटल बी, ड्रोसोफिला के मध्य क्रॉस कराया। तो आइए इनका प्रयोग देखते हैं। इन्होंने स्लेटी रंग एवं अल्पविकसित पंख तथा काले रंग एवं लंबे पंख वाली मक्खियां ली, और ये क्रॉस उसी प्रकार है जो हम मेंडल में तथा गुणसूत्र सिद्धांत में देख चुके हैं। तो जब इन्होंने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में स्लेटी रंग एवं लंबे पंख की मक्खियाँ प्राप्त हुई, और चूँकि F1 पीढ़ी में जो समजात गुणसूत्र हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय हुआ, जिसकी प्रक्रिया को यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब इनके समजात गुणसूत्र में जीन विनिमय हुआ तो जीन विनिमय जो हमने प्रक्रिया पढ़ी है उसी प्रकार हुआ। इसमें पहले क्रोमैटिड्स बने, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी समजात गुणसूत्र में क्रोमैटिड बने, क्रोमैटिड के बीच में जीन का आदान प्रदान हुआ, काइजमाटा का निर्माण हुआ और खंडों का आदान प्रदान हुआ। खंडों का आदान प्रदान को ही जीन विनिमय कहा जाता है। जब खंडों का आदान प्रदान हो गया तो 4 प्रकार के युग्मक बने, कैपिटल बी स्मॉल वी वाले, कैपिटल बी कैपिटल वी वाले और स्मॉल बी कैपिटल वी वाले। तो ये 4 प्रकार के युग्मक बने जिनको यहाँ दर्शाया गया है। जब स्लेटी रंग एवं लंबे पंख की मक्खियों को काले रंग एवं अल्पविकसित पंख वाली मक्खियों से क्रॉस कराया गया तो 4 प्रकार की मक्खियां प्राप्त हुई, जिनमें स्लेटी रंग एवं अल्पविकसित पंख तथा काले रंग एवं अल्पविकसित पंख, स्लेटी रंग एवं लंबे पंख, काले रंग एवं लंबे पंख वाली मक्खियां प्राप्त हुई। इसमें स्लेटी रंग एवं लंबे पंख पूर्वज में उपस्थित हैं, काले रंग एवं अल्पविकसित पंख पूर्वज में मौजूद हैं। तो इसमें 2 प्रकार की मक्खियां पूर्वजी प्रकार वाली बनी और 2 प्रकार की मक्खियां नए संयोगों वाली बनी जो पूर्वजों में मौजूद नहीं थी। तो चूंकि यहाँ पे जीन विनिमय हुआ था तो जीन विनिमय होने की वजह से पैतृक संयोग भी बने और नए संयोग भी बने। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर अगर F1 पीढ़ी में और जीन विनिमय ना हुआ होता तो क्या होता। अगर जीन विनिमय ना हुआ होता तो F1 पीढ़ी की जो स्लेटी रंग एवं लंबे पंख वाली मक्खियाँ थीं इनके जो जीन्स थे वो युग्मक बनते समय एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाते, कैपिटल बी स्मॉल बी एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाता, स्मॉल बी और कैपिटल बी एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाता, और केवल 2 प्रकार के युग्मक ही बनते जो पूर्वजी प्रकार वाले होते। जब इन मक्खियों को काले रंग एवं अल्पविकसित पंख से क्रॉस कराया गया तो केवल 2 प्रकार की मक्खियाँ मिली, स्लेटी रंग एवं अल्पविकसित पंख, जबकि जब जीन विनिमय हुआ था तो 4 प्रकार की मक्खियां मिली थी, परंतु यहां पर केवल 2 प्रकार की मक्खियां मिली और ये दोनों प्रकार जो पूर्वजों में उपस्थित थे उस प्रकार की मक्खियां प्राप्त हुई, और जिससे पता चला कि सहलग्नता
पूर्वजी प्रकार को जन्म देती है और जीन विनिमय पूर्वजी प्रकार के साथ साथ नए संयोगों को भी जन्म देती है। बच्चों, क्रोमोसोमल मैप हमने अभी देखा कि अगर जीन पूरी तरह लिंक है, एक दूसरे से बिल्कुल करीब में है, तो युग्मक बनते समय वो अलग नहीं हो पाएगी और ऐसे केस में पूर्वजी संयोग अधिक बनेंगे। और अगर जीन पूरी तरह से लिंक है तो ऐसे में रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योजक 0% बनेंगे, कोई नया संयोग नहीं बनेगा, जो भी बनेगा सब पूर्वजी संयोग बनेगा। और अगर जीन बहुत दूर है, बिल्कुल दूर, यहां तक के मान लिया जाए कि वो अलग गुणसूत्र पर है, तो अगर जीन अलग गुणसूत्र पर है जिसको स्वतंत्र अपयूहन कहा जाता है, तो इस केस में 50% नए संयोगों का जन्म होगा और 50% पैतृक संयोगों का जन्म होगा। तो इसको आधार मानते हुए एल्फ्रेड स्टर्टीवेंट जो कि मॉर्गन के शिष्य थे, उन्होंने कहा क्रोमोजोम के जीन युग्मकों की पुनर्योजन आवृत्ति रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, क्रॉस कराने पर जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी रिकॉम्बिनेशन के, कितने परसेंट नए संयोग बन रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को जीनों के बीच की दूरी मापकर क्रोमोसोम में इनकी स्थिति के चित्र बनाए जा सकते हैं कि जीन किस प्रकार पंक्तिबद्ध है। और क्रोमोसोमल मैप का बहुत उपयोग है, अभी हाल ही में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, उसमें भी क्रोमोसोमल मैप का ही इस्तेमाल करते हुए मनुष्यों के जीनों को पंक्तिबद्ध किया गया था अलग अलग गुणसूत्रों पर। एक संलग्न समूह के सभी जीन्स के बीच की आपेक्षिक दूरी को पुनर्योजन की प्रतिशतता के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो इकाई है वो सेंटीमॉर्गन है जिसको CM लिखा जाएगा। और अगर 1% रिकॉम्बिनेंट बना तो 1 CM, 10% रिकॉम्बिनेंट बना तो 10%। अगर जीन पूरी तरह संलग्न है तो इसमें पैतृक संयोग बनेंगे और अगर जीन बहुत दूर दूर हैं तो इसमें 50% तक नए संयोगों का जन्म हो सकता है। तो इसको आधार मानते हुए क्रोमोसोमल मैप का आधार दिया गया और क्रोमोसोमल मैप के बारे में बताया गया। आइए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार क्रोमोसोमल मैप की मदद से जीनों को अरेंज किया जाता है। मान लेते हैं तीन जीन हैं X, Y और Z। तो अगर हमको ये तीनों जीन अगर एक ही गुणसूत्र पर हैं और हमको इनको अरेंज करना है, तो सबसे पहले एक्स और वाई के बीच में देखा जाएगा कि उसमें कितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो रही है। मान लेते हैं 60%, यानी 60% नए संयोगों का जन्म हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 60% है। तो हम एक लाइन खींच के एक्स और वाई लिखेंगे और दोनों के बीच 60 इकाई की दूरी बना देंगे। फिर हम एक्स और जेड के बीच में पुनर्योजन आवृत्ति निकालेंगे, मान लेते हैं ये 15%। इसका मतलब X और Z के बीच की दूरी 15 इकाई है। अब Z 15 इकाई इधर भी हो सकता है, 15 इकाई इधर भी हो सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए Y और Z के बीच की आवृत्ति को निकाला जाएगा, मान लेते हैं ये 45% है। इसका मतलब Z Y से 45 इकाई की दूरी पर है और X से 15 इकाई की दूरी पर है। तो इस प्रकार Z को बीच में रखा जाएगा जिससे Y से इसकी दूरी 45 इकाई, X से इसकी दूरी 15 इकाई और X और Y के बीच की दूरी 60 इकाई होगी। तो इस प्रकार जेनेटिक मैप में जीन्स को अरेंज किया जाता है, पंक्तिबद्ध किया जाता है। और बच्चों, यहाँ तक आते आते हमने संलग्नता, जीन विनिमय और क्रोमोसोमल मैप देखा। तो आइए हम अब बात करते हैं जीवों में गुणसूत्रों के संगठन की, कि आखिर जीवों में जो गुणसूत्र हैं उनका क्या संगठन है और कौन कौन से किस किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं की बात करें तो एक ही जाति में, कोई मनुष्य नहीं, कोई भी एक जाति, उनके जो गुणसूत्र की संख्या है, कितने गुणसूत्र होंगे तथा गुणसूत्र का माप एवं रचना ये समान होती है। उदाहरण के लिए ये मनुष्य का गुणसूत्र दिखाया गया है और जब गुणसूत्र को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं तो इसको जाति गुणसूत्र समूह या कैरियोटाइप कहा जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं और इन 23 जोड़ी में 1 से लेकर 22 जोड़ी तक इनको ऑटोसोम कहा जाएगा, दैहिक गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि इन पर विभिन्न शारीरिक एवं क्रियात्मक लक्षणों की जीन पाई जाती है। साथ ही जो 23वां जोड़ा है, जो देखिए बराबर नहीं भी है, XY, इनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाएगा, क्योंकि अधिकांश जंतुओं में इनका केवल एक जोड़ा होता और इन पर लिंग निर्धारण की जीन होती है। यही आने वाली पीढ़ी में निर्धारित करते हैं कि नर बनेगा या मादा बनेगी। तो अगर अलग अलग जीवों की बात किया जाए तो लिंग निर्धारण कई प्रकार का है, लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए कि लिंग भी एक मेंडेलियन लक्षण की भांति ही ये भी वंशागत होता है। और लिंग गुणसूत्र से लिंगों का निर्धारण होना, इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया है जिसको लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत कहते हैं। ये मैकलंग ने 1902 में दिया था।
अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का लिंग निर्धारण है जो गुणसूत्रों के द्वारा ही हो रहा है। एक है एक्स 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 वाई टाइप, इसमें एक्स एक्स मादा एक्स वाई नर, यानी मादा समयुग्मकी और नर विषमयुग्मकी मनुष्य में ड्रोसोफिला में। दूसरा है जेड 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 डब्लू, इसका उल्टा, यानी जेड जेड नर और जेड डब्लू मादा, यानी समयुग्मकी नर विषमयुग्मकी मादा। और तीसरा है द्विगुणित मादा अगुणित नर, अगर डिप्लॉयड है तो मादा, हैप्लॉयड है तो नर। ये मधुमक्खियों वास्प चींटियों वगैरह में और हाइमनोप्टेरेंस में पाया जाएगा। तो अगर हम एक्स 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 वाई टाइप की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि एक्स एक्स ये मादा, तो पहले मादा की बात करते हैं। समयुग्मकी लिंग, यानी मादा में जो दोनों गुणसूत्र हैं लिंग गुणसूत्र ये समान होते हैं, जिनको एक्स एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जब इसमें युग्मक बनेंगे तो एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे जो एक्स एलील वाले। नर, नर विषम युग्मकी लिंग है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो अलग अलग हैं, और जब इसके अंदर युग्मक बनेंगे तो 50% एक्स वाले और 50% वाई गुणसूत्र वाले युग्मक बनेंगे। और जब इनका क्रॉस देखा जाएगा, चाहे ड्रोसोफिला में और चाहे मनुष्य में, दोनों में एक समान है, तो अगर इनका क्रॉस देखा जाएगा तो जिसमें वाई पहुंचेगा वो नर बनेगा और जिसमें वाई नहीं पहुंचेगा वो मादा। मनुष्य में भी जिसमें वाई पहुंच रहा है वो नर और जिसमें वाई नहीं पहुंचा वो मादा। ड्रोसोफिला में चार जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। चार जोड़ी का मतलब आठ, 6 7 8, तो 6 तो ऑटोसोम हो गए और जो दो एक जोड़ा बचा उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, 44 + 2 = 46, 23 जोड़ा, जिसमें 44 ऑटोसोम और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम। जब लिंग निर्धारण की बात हो रही तो चाहे ड्रोसोफिला हो चाहे मनुष्य, दोनों में वाई गुणसूत्र लिंग का निर्धारण कर रहा है। अगली पीढ़ी में वाई जिसमें पहुंच रहा है वो नर बन रहा है और जिसमें वाई नहीं पहुंच रहा है वो मादा बन जा रही है। इसी प्रकार अगर जेड 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 डब्लू टाइप में देखा जाए तो जेड जेड समयुग्मकी लिंग है और नर है, समयुग्मकी है, क्यों? क्योंकि इसके दोनों गुणसूत्र समान है और जब इसमें युग्मक बनेगा तो एक ही प्रकार का बनेगा। मादा में जेड डब्लू यानी विषम युग्मकी लिंग, और जब इसमें युग्मक बनेगा तो दो प्रकार का, एक डब्लू वाला और एक जेड वाला। डब्लू जो गुणसूत्र, डब्लू वाला गुणसूत्र जिसमें पहुंचेगा वो मादा बनेगी और जिसमें डब्लू नहीं पहुंचेगा वो नर बनेगा। तो इस प्रकार इसमें लिंग का निर्धारण होता है, ये पक्षियों में लिंग का निर्धारण होता है। तीसरा प्रकार है एक्स 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 ओ टाइप, जिसमें अगर द्विगुणित है तो मादा और अगुणित है तो नर। उदाहरण के तौर पर मधुमक्खियों में रानी और श्रमिक, ये दोनों मादा हैं और द्विगुणित हैं। ड्रोन्स ये अगुणित हैं, इसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 16 जोड़ा। अगर 32 गुणसूत्र हैं यानी जोड़े में 16 जोड़ा यानी 32 गुणसूत्र, तो डिप्लॉयड है तो रानी, और अगर अगुणित है केवल 16 गुणसूत्र हैं तो ये नर। जब रानी मक्खी में जब युग्मक बनेंगे, अंडे बनेंगे, तो चूंकि अर्धसूत्री विभाजन है तो इसमें 32 का आधा 16, 16 गुणसूत्र युग्मक में पहुंचेंगे। अगुणित नर जिसमें 16 गुणसूत्र थे, इसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम संख्या समान रहती है, तो इसमें शुक्राणुओं में भी 16 गुणसूत्र पहुंचेंगे। और जब अंडे और शुक्राणुओं के बीच में निषेचन होगा तो निषेचन में 16 + 16 = 32 वापस द्विगुणित हो गए और ये मादा बन गई, क्योंकि द्विगुणित मादा मादा। और जो अंडे अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस से बिना निषेचन के फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाएंगे वो नर बन जाएंगे, उनको ड्रोन्स कहा जाएगा। तो इस प्रकार इसमें जो लिंग का निर्धारण हो रहा है हनी बीज यानी मधुमक्खियों में, वास्प में, चींटी में, इनमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड कंडीशन के ऊपर हो रहा है, द्विगुणित और अगुणित। तो बच्चों आज जो हमने टॉपिक देखे हैं वो टॉपिक एक लिंकेज जिसमें कि पैतृक संयोग बन रहा है,
एक जीन विनिमय जिसमें पैतृक संयोगों के साथ साथ नए संयोग बन रहे हैं, और इन दोनों के प्रयोग से किस प्रकार क्रोमोसोमल मैप बनाया जाएगा ये देखा गया, मॉर्गन की संकल्पना देखा गया, और लिंग निर्धारण के बारे में देखा गया कि किस प्रकार लिंगों का निर्धारण होता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको कुछ अभ्यास कार्य दे रहा हूँ, इन अभ्यास कार्यों को आप एक बार अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, और अगर आप इस क्वेश्चंस को कर लेते हैं इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और फिर इस क्वेश्चन को करिएगा। भारतीय संस्कृत पाठ के पूर्व भाग को आपने पढ़ लिया है। इस प्रसारण के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत के शेष भाग को पढ़ेंगे, जिसमें शेष रेखांकित गद्यांशों की व्याख्या का प्रासंगिक प्रश्न एवं उनके उत्तर की चर्चा करेंगे। इस प्रसारण को देखकर आप सीखेंगे भारतीयों की सामूहिक चेतना के बारे में, शोषण विहीन समाज की स्थापना के बारे में, विज्ञान पर नैतिक मूल्यों के अंकुश की आवश्यकता के बारे में, भारतीय भाषाओं के सांस्कृतिक संगम की आवश्यकता के बारे में, भारतीय संस्कृति पाठ के प्रासंगिक प्रश्न एवं उनके उत्तर के बारे में। पूर्व ज्ञान, भारतीय संस्कृति पाठ के पूर्व भाग को पढ़कर आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाओं के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हिंदी साहित्य में स्थान के बारे में। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न धर्म, विचारधारा, जाति, परंपरा आदि के बारे में, भारतीय संस्कृति के अमर तत्व के स्रोत नैतिक एवं आध्यात्मिकता के बारे में, भारतीय संस्कृति के मूलाधार अहिंसा और त्याग के बारे में, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उदंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीत से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृति जन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई, हमारे देश साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पदलित हुए, हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक प्रकार मुसीबतों के पहाड़ ढह दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक पहाड़ ढह दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनुष्यों और कर्म योगियों को पैदा कर सकें जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को, और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया, और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गर्व को बनाए रख सके, उसका परिणाम यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि भारत देश को भी बुरे दिन देखने पड़े थे, परंतु ये भी सत्य है कि इन बुरे दिनों में भी हमारे देश ने अनेक विद्वानों एवं कर्मयोगियों को जन्म दिया। ये महान भारतीय सपूत इतने योग्य थे
कि उन्हें संसार के किसी भी भाग में किसी भी युग में अनिवार्य रूप से सम्मान के योग्य समझा जाता। जब हमारा देश परतंत्र था तब भी हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे कर्मठ और धर्मरत रहने वाले क्रांतिकारी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारशील कवि, योगराज अरविंद घोष तथा रमण महर्षि जैसे महान योगी व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी समय में हमारे देश में अनेक वैज्ञानिक एवं महान विद्वान भी प्रस्तुत हुए। इन विद्वानों की योग्यता को आज भी सारा संसार स्वीकार करता है। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर प्रसाद जी लिखते हैं कि हमारी संस्कृति का मूल आधार नैतिकता है, इसी का प्रभाव हमारे समाज के मानस पर है। ये नैतिक आधार पर्वतों से भी मजबूत और सागर से भी गहरा है। इसकी व्यापकता आकाश से भी अधिक है। इतने मजबूत, गहरे तथा व्यापक नैतिक आधार के बल पर ही भारत अपनी गरिमा और महिमा को बनाए हुए है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणी है वह ये है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहां उन सब में ये एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जन साधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों में जन साधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जन साधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता थी। संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। हमारे देश का प्राण तत्व संस्कृति है जिसे सामूहिक चेतना भी कहा जा सकता है। इस संस्कृत के सूत्र में ही हमारे ग्राम, नगर, प्रदेश, धर्म और जातियां बनी हुई हैं। ऊपर से देखने में हमें विभिन्नता नजर आती है परंतु आंतरिक रूप से सब एकता के सूत्र में बने हैं। अर्थात विभिन्नताएं होते हुए भी उनमें सांस्कृतिक एकता व्याप्त है। बापू ने जनसाधारण डेटस सहारा लिया था। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। गांधी जी का सिद्धांत सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित था और ये बातें सदियों से हमारी संस्कृत में रही हैं। उन्होंने इस बात को पहचान कर जन साधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में विदेशी शासन के विरुद्ध एकजुट रहने का महान कार्य किया और उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जन साधारण ने सफल संघर्ष किया। जन साधारण के हृदय डेल्टस उनकी सफलता थी। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उन्होंने जनसाधारण के हृदय में धड़कती इस सांस्कृतिक चेतना को भलीभांत पहचान लिया था और इसी को उन्होंने क्रांति शक्ति के रूप में बदल दिया जिसके बलबूते पर भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृत के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बननी चाहिए। अर्थात उसके पीछे व्यक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। व्यक्तिक स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर व्यक्तिक कर्तव्य पर, सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्रवाई उसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। एकांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर प्रसाद जी लिखते हैं
कि हमें समाज और अपने देश में अन्यायों और अत्याचारों को फिर से न दोहराएं जाने के लिए अपनी आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था के दूषित होने के कारण ही सारे संघर्ष होते हैं, अतः हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था और ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही बनानी चाहिए। अतः ये आवश्यक है कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ को त्याग कर लोक कल्याण की भावना से कार्य करें, तभी भारतीय संस्कृति पर आधारित आर्थिक ढांचा निर्मित हो सकेगा। व्यक्तिक स्वार्थों और डैश डैश जोर देना चाहिए, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। जब तक हम व्यक्तिक स्वार्थ और अधिकार पर बल देते रहेंगे तब तक शोषण चलता रहेगा, किंतु जब हम इन्हें भूलकर व्यक्तिक कर्तव्य और सेवानिष्ठा पर जोर देंगे तब शोषण विहीन समाज बन सकेगा। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी। अधिक देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो, एक छोटे से उदाहरण से ये बात स्पष्ट की जा सकती है कि एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उनका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। उसी प्रकार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर ये पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं और यदि संसार का संघर्ष मिटना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो चाहे देश देश के बीच का हो वर्तमान रहेगा ही। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर प्रसाद लिखते हैं कि विज्ञान ने मानव को असीमित शक्तियां प्रदान की हैं। विज्ञान से प्राप्त इस शक्ति का प्रयोग कुछ लोग अपनी उन्नति के लिए करते हैं किंतु कुछ लोग दूसरों को विनाश करने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश ये चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कहना है कि इद विज्ञान की शक्ति पर प्रेम और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया गया तो ये मानव का हित नहीं कर सकती। नैतिक बंधन से विज्ञान की असीमित शक्ति सीमित हो सकती है और उसका प्रयोग विनाश के लिए न कर निर्माण के लिए किया जा सकता है। आज विज्ञान को शक्ति को कल्याण की दिशा में प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त ये बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियां का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में ये उचित नहीं होगा
कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संगलिप अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। प्रत्येक भाषा की डैश डैश छपवाने का आयोजन करें। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। लेखक का विचार है कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं अपनी भाषा की रचनाओं को संगलिप अर्थात देवनागरी में भी छपवाएं, जिससे भारत के अन्य लोग विशेषकर उत्तर भारत के लोग उन रचनाओं का आनंद ले सकें। दूसरी बात यह है, ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करें। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी, साथ ही वह संगम साहित्यकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है, उसके दूसरे रूप गान नृत्य चित्रकला वास्तुकला मूर्तकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है कि जो एक भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी, उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था, गर्व फिरदौस वर्ग रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर प्रसाद लिखते हैं कि साहित्य पर संस्कृति का गहरा प्रभाव रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि साहित्य में जो भी प्रस्तुत किया जाता है वह संस्कृति का ही स्वरूप होता है। संस्कृति के संदर्भ में हम कुछ भी सोचते और करते हैं, साहित्य में उसका प्रतिबिंब रहता है, इसलिए साहित्य संस्कृति का व्यक्त रूप होता है। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। भारत में विभिन्नता होते हुए भी सांस्कृतिक एकता व्याप्त है, जिसका प्रदर्शन हुए विभिन्न कलाओं चित्रकला मूर्तिकला संगीत कला वास्तुकला आदि के माध्यम से करता रहा है। शब्दार्थ प्रगाढ़ अत्यंत गहरा उद्गम निकलने का स्थान मज्जा हड्डियों के अंदर का गूदे जैसा पदार्थ तेन टेक तेन भुंजी था उपनिषद का एक उद्धरण जिसका अर्थ है इसलिए त्याग भावना से भोग करो सौहार्द सहृदयता आत्मीयता सद्भाव मैत्री आक्रांत मनी जिस पर आक्रमण किया गया हो अरविंद बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो बाद में महान योगी और दार्शनिक के रूप में विख्यात हुए रमण महर्षि प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं बुद्धजीवी प्रमुखता दिमागी कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाला जैसे अध्यापक वकील लेखक आदि। प्रिय विद्यार्थियों अब इस पाठ के गद्यांशों से प्रासंगिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर इस पाठ के किसी भी गद्यांश के लिए उत्तर ये होगा पाठ का नाम भारतीय संस्कृत लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न कन्याकुमारी का मौसम कैसा रहता है। उत्तर कन्याकुमारी के मौसम में न कभी सर्दी होती है और न कभी गर्मी, यहाँ का मौसम बड़ा सुखद होता है। प्रश्न भारत भूमि की क्या विशेषता है। उत्तर भारत भूमि की ये विशेषता है कि इसमें संसार में पाया जाने वाला प्रत्येक फल अन्न
खनिज पदार्थ, वृक्ष और जानवर मिलता है। प्रश्न, भारत की किस प्रमुख विशेषता पर यहाँ प्रकाश डाला गया है? उत्तर, भारत की प्रमुख विशेषता है विभिन्नताओं के होते हुए भी आंतरिक एकता विद्यमान होना। प्रश्न, भारत के मौसम के बारे में क्या कहा गया है? उत्तर, भारत का मौसम बड़ा विचित्र है, इसमें एक छोर पर हिमालय की बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं तो दूसरे छोर पर तपता हुआ रेगिस्तान मतलब रेगिस्तान भी है। कहीं कहीं मौसम 12 महीने सुखद रहता है, चेरापूंजी में मूसलाधार वर्षा होती है और जैसलमेर में पानी बरसता ही नहीं। प्रश्न, भारत में रहने वालों की बोली क्या है? उत्तर, भारत में रहने वालों की कोई एक बोली नहीं है, यहाँ अनेक बोलियां बोली जाती हैं। प्रश्न, किसी अपरिचित द्वारा भारत को अनेक देशों का समूह कहे जाने का क्या कारण हो सकता है? उत्तर, विश्व के अधिकांश देशों में प्रायः एक ही धर्म अथवा जाति का बाहुल्य है, जबकि भारत में अनेक धर्मों जातियों का बाहुल्य है और सभी को अपने धर्मानुसार जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता है। किसी अपरिचित द्वारा भारत को अनेक देशों का समूह कहे जाने का यही कारण हो सकता है। प्रश्न, लेखक ने भारत की तुलना किस माला से की है? उत्तर, लेखक ने भारत की तुलना उस माला से की है जिसमें विभिन्न रंगों के फूल या विभिन्न रंगों की मणियां गुथी होती हैं और उस माला की सुंदरता में वृद्धि करती हैं। प्रश्न, भारत की क्या विशेषता है जिस पर लेखक बल दे रहा है? उत्तर, भारत की विशेषता है विभिन्नता में एकता, ऊपर से भिन्नता दिखने पर भी इसमें आंतरिक एकता व्याप्त है। प्रश्न, यहाँ विभिन्नताओं की तह में क्या फैली है? उत्तर, भारत की धर्म और बोलियों की तरह में एक अनूठी समानता तथा एकता की भावना फैली है। प्रश्न, भारतीय संस्कृति में विद्यमान अमर तत्व का स्रोत बताइए, ये हमारे सम्मुख किस रूप में आता है? उत्तर, भारतीय संस्कृति में विद्यमान अमर तत्व का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है, जो कि अनंत काल से कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष और कभी मूर्त रूप में हम सभी के सम्मुख आता रहा है। प्रश्न, हमारी संस्कृति का मूलाधार क्या है? उत्तर, हमारी संस्कृति का मूलाधार अहिंसा या त्याग है। प्रश्न, त्याग और स्वार्थ क्या है? उत्तर, अहिंसा का दूसरा नाम त्याग और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। प्रश्न, हम दुर्दिनों में भी किनको पैदा कर सके? उत्तर, हम दुर्दिनों में भी महात्मा गांधी, कवि रविंद्र, अरविंद, रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा कर सके। प्रश्न, भारतीयों की सामूहिक चेतना कैसे आधार पर स्थित है? भारतीयों की सामूहिक चेतना पर्वतों से भी मजबूत, सागरों से भी गहरी और आकाश से भी व्यापक नैतिक धरातल पर स्थित है। प्रश्न, भारतीय संस्कृति का नाम किसे दिया जा सकता है? उत्तर, भारत के विभिन्न धर्म, विचारधारा और जात रूपी जल प्रपात और प्रभा हजारों वर्षों से आकर भारत में व्याप्त है, इसे ही विस्तृत और सागर के समान गहन और गंभीर भारतीय संस्कृति का नाम दिया जा सकता है। प्रश्न, गद्यांश में नदियों को किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? उत्तर, गद्यांश में नदियों के विभिन्न धर्मों संप्रदायों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न, महात्मा गांधी ने जनसाधारण को क्रांति के लिए तत्पर करने हेतु किसका सहारा लिया? उत्तर, महात्मा गांधी ने जनसाधारण के भीतर छिपी सांस्कृतिक एकता को पहचान लिया और उसी का सहारा लेकर जनता को विदेशी शासन के खिलाफ क्रांति के लिए तत्पर किया। प्रश्न, भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए आवश्यक है यहाँ की संस्कृति। भारत सांस्कृतिक रूप से एक इकाई है, भले ही बाहर से इसमें अनेक विभिन्नताएं व्याप्त हैं। प्रश्न, शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए?
उत्तर, शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए स्वार्थ और हिंसा की वृत्ति छोड़कर त्याग और अहिंसा की वृत्ति अपनानी होगी। प्रश्न, हमारी प्रत्येक कार्रवाई इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए, यहाँ किस तराजू की बात कही गई है? उत्तर, तराजू तौलने का काम करती है हमारे कार्य स्वार्थ प्रेरित हैं या सेवा प्रेरित, इसे ध्यान में रखकर ही हमारा मूल्यांकन किया जाएगा। सेवा भावना एवं लोक कल्याण ही वह तराजू है जिस पर हमारे क्रियाकलापों को परखा जा सकता है। प्रश्न, भारतवासियों को अपनी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार बनानी चाहिए? उत्तर, भारतवासियों को व्यक्तिगत लाभ त्याग कर सामाजिक हित का ध्यान रखते हुए अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। प्रश्न, विज्ञान का उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? उत्तर, विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। प्रश्न, विज्ञान पर किसका अंकुश आवश्यक है? उत्तर, विज्ञान पर नैतिकता नैतिक मूल्यों का अंकुश आवश्यक है, वही उसकी शक्ति को परिमित और उपयोग को नियंत्रित कर सकती है। प्रश्न, आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? उत्तर, आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। प्रश्न, मानव शक्ति कब हितकर नहीं होती? उत्तर, जब मानव शक्ति पर नैतिक अंकुश नहीं होता तब वह हितकर नहीं होती। प्रश्न, देवनागरी लिपि में सभी भाषाओं की कृतियां छपने से क्या लाभ होगा? उत्तर, देवनागरी लिपि में अन्य भाषाओं की कृतियां यदि छपेंगी तो भारत के अन्य प्रदेशों के लोग भी उन कृतियों का आनंद ले सकेंगे, विशेषकर उत्तर भारत के लोग। प्रश्न, भारत की एक सूत्रता किससे प्रदर्शित होती रही है? उत्तर, भारत की एक सूत्रता उसकी सांस्कृतिक एकता से प्रदर्शित होती है। बाहर से भिन्नता दिखाई देने पर भी उसमें आंतरिक एकता व्याप्त है। प्रश्न, भारतीय भाषाओं का सांस्कृतिक संगम क्यों आवश्यक है? उत्तर, भारतीय भाषाओं का सांस्कृतिक संगम होने से साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए ये संगम आवश्यक है। इस पाठ को पढ़कर आपने सीखा है भारतीयों की सामूहिक चेतना के बारे में, शोषण विहीन समाज की स्थापना के बारे में, विज्ञान पर नैतिक मूल्यों के अंकुश की आवश्यकता के बारे में, साहित्य संस्कृति का व्यापक रूप है के बारे में, भारतीय भाषाओं के सांस्कृतिक संगम की आवश्यकता के बारे में, भारतीय संस्कृति के प्रासंगिक प्रश्न एवं उनके उत्तर के बारे में। अंत में इस पाठ से संबंधित प्रश्नों का तथा रेखांकित गद्यांशों की व्याख्या का स्वाध्याय कीजिए। आगामी पाठ ईर्ष्या तून गई मेरे मन से श्री रामधारी सिंह दिनकर तथा अजंता श्री भगवत शरण उपाध्याय का भी स्वाध्याय करिए, जिससे वह आप समझकर सीख सकें। धन्यवाद। बच्चों, मैं अहमद तंजीम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज फिर आपके समक्ष पाठ वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जो कि जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसका आज अंतिम भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बच्चों, अभी तक हम इस पाठ के इस अध्याय के तीन भाग देख चुके हैं, जिसमें भाग एक में हमने मेंडल के वंशागति के नियम देखे थे और भाग एक में ही हमको मेंडल के कारकों के बारे में पता चला था। हमको पता चला था कि लक्षणों का निर्धारण कारकों द्वारा होता है और वे कारक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते समय वे मेंडल के वंशागति के नियम को फॉलो करते हैं। फिर जब हम अपने भाग दो में आए
तो भाग दो में हमको गुणसूत्रों के बारे में पता चला। हमको पता चला कि मेंडल के ये जो कारक हैं जिनको सन 1909 में जोहानसन ने जीन्स कहा था, ये मेंडल के कारक गुणसूत्र पर होते हैं। तो भाग दो में हमने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत देखा था, साथ ही हमने भाग दो में मेंडल के वंशागति के नियम से विचलन भी देखे थे। जब हम भाग तीन पर आए तो हमने पैतृक संयोग और नए संयोगों का बनना देखा था, जिसमें हमने संलग्नता एवं जीन विनिमय के बारे में जाना था और साथ ही किस प्रकार संलग्नता एवं जीन विनिमय इनकी सहायता से क्रोमोसोमल मैप या लिंकेज मैप बनाए जाते हैं, ये भी हमने इसी भाग में देखा था। और यहाँ पर हमने जीवों का गुणसूत्री संगठन देखा था कि किस प्रकार गुणसूत्र एक जाति में समान होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं, दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। तो हमने इस भाग में जो कि भाग तीन है, हमने लिंग का निर्धारण भी पढ़ा था। तो बच्चों, ये हमारा आज आखिरी भाग चार, जो इस चैप्टर का अंतिम भाग होगा, आज इसमें हम जो मेंडल के कारक हैं जिनको जीन्स कहा जाता है, वे जीन्स या गुणसूत्र या गुणसूत्रों की संख्या जो हमने तीसरे भाग में पढ़ा था, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आएगा आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी हम उत्परिवर्तन म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जब उत्परिवर्तन होगा यानी जीन्स में या गुणसूत्र में या गुणसूत्र की संख्या में कुछ परिवर्तन आएगा, तो इस परिवर्तन की वजह से जो भी विकार पैदा होंगे उनको हम आनुवंशिक विकार के अंतर्गत पढ़ेंगे और किस प्रकार हम आनुवंशिकता को मनुष्य के केस में पढ़ सकते हैं, ये हम वंशावली विश्लेषण में देखेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्परिवर्तन की। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन जीन और जीन गुणसूत्र पर होते हैं और गुणसूत्रों से ही गुणसूत्र प्रारूप बनता है, जो कि किसी भी एक जाति के लिए फिक्स होता है। तो अगर जीन में या गुणसूत्र में या गुणसूत्र के प्रारूप में इनकी संख्या में किसी भी प्रकार का चेंज आ जाए, किसी भी प्रकार का बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो इसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीवों के आनुवंशिक पदार्थ यानी जीन और इससे संबंधित गुणसूत्र और गुणसूत्रों की संख्या, इन तीनों में किसी में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ जाए तो वह उत्परिवर्तन कहलाता है। तो अब इस आधार पर हम उत्परिवर्तन को तीन भाग में बांट सकते हैं। उत्परिवर्तन के प्रकार, अगर जीन में कोई परिवर्तन होता है, जीन की रासायनिक संरचना अगर बदलती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है, तो उसे जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन कहा जाएगा। अगर गुणसूत्र के अंदर उत्परिवर्तन आता है, गुणसूत्र का कोई टुकड़ा, कोई हिस्सा, कोई खंड गायब हो जाए, जुड़ जाए, डुप्लीकेट हो जाए, द्विगुणित हो जाए, कुछ भी चेंज आता है, तो वो गुणसूत्र उत्परिवर्तन या गुणसूत्र विपथन कहलाता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एबेरेशंस। और अगर गुणसूत्र की संख्या जो कि किसी एक जाति में फिक्स होती है, तो गुणसूत्र की संख्या जो फिक्स है, अगर इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आया, बढ़ जाए या घट जाए, किसी भी प्रकार का परिवर्तन आया, तो इसको प्लॉयडी कहा जाएगा, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। तो इस प्रकार उत्परिवर्तन तीन प्रकार का है। जीन उत्परिवर्तन, अगर जीन में किसी प्रकार का चेंज आ रहा है, गुणसूत्र उत्परिवर्तन, अगर गुणसूत्र में कोई चेंज आ रहा है और अगर गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन है, तो प्लॉयडी कहा जाएगा। बच्चों, आइए बात करते हैं जीन उत्परिवर्तन की, कि जीन में जो चेंज आएगा वो किस किस प्रकार का हो सकता है। पहले आपको बता दें जीन क्या है। जीन ये डीएनए का वह टुकड़ा है जो किसी प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण करता है, और इस जीन की रासायनिक संरचना में अगर कोई बदलाव आया तो ये जीन उत्परिवर्तन कहलाएगा। जीन में जेनेटिक कोड के अनुसार तीन न्यूक्लियोटाइड का बना कोडॉन एक अमीनो एसिड का निर्धारण करता है, और इस प्रकार अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन श्रृंखला बनाते हैं। यानी जीन में जेनेटिक कोड के अनुसार तीन न्यूक्लियोटाइड का बना एक कोडॉन प्रोटीन श्रृंखला में एक अमीनो एसिड की स्थिति को निर्धारित करता है। जेनेटिक कोड के विन्यास में परिवर्तन, अगर किसी वजह से इनके विन्यास में परिवर्तन आ जाए, तो इससे परिवर्तन से इससे बनने वाले प्रोटीन में अमीनो अम्लों के विन्यास में भी परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार के परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीन उत्परिवर्तन दो प्रकार का है, एक फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन और एक प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन,
इसमें डीएनए में एक या दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, और इसके जुड़ने या कम होने से पूरा जेनेटिक फ्रेम ही चेंज हो जाएगा, जेनेटिक सूचना बदल जाएगी, जो अभी एक उदाहरण से हम समझेंगे। प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन, जिसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक किसी दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक को विस्थापित कर देगा। इस प्रकार के उत्परिवर्तन को सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन या प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन कहा जाएगा। और प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन को हम दो भाग में बांटेंगे, संक्रमण और ट्रांसवर्सन। जीन उत्परिवर्तन में पहला है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन मैंने अभी आपको बताया कि जिस जगह पे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे या कम होंगे वहां से पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। इनमें डीएनए अणु में एक या दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, और जुड़ने के आगे स्थान से आगे पूरी जेनेटिक सूचना ही बदल जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इस उत्परिवर्तन में डीएनए से बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में भी अमीनो अम्ल बदल जाते हैं। आइए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इंग्लिश में एक कथन लिखा गया है, राम हैज रेड पेन। तो इसमें जो तीन तीन अंग्रेजी के वर्ण हैं ये जेनेटिक कोड से मिलते हैं और सबका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है। अगर इस सेंटेंस में हैज और रेड के बीच में बी जोड़ दिया जाए, हैज और रेड के बीच में बी जोड़ दिया जाए, तो देखिए जहां पे बी जुड़ रहा है उसके आगे का पूरा सीक्वेंस, पूरा मतलब बदल गया है। अब इसका कोई सेंस नहीं निकला, यानी पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम बदल गया। इसी प्रकार जीन में भी अगर कोई एक न्यूक्लियोटाइड या दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है या कम हो जाता है, तो ऐसे केस में पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम जुड़ने वाली जगह से आगे चेंज हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इसी प्रकार अगर रेड का आर गायब कर दिया जाए तो भी आप देखिए पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया, ईडीपी एक साथ आ गया ईएन। तो अब इसमें जेनेटिक सूचना बदल गई, जिस जगह पे ये चेंज आया, बदलाव हुआ, उसके आगे जेनेटिक फ्रेम चेंज हो गया, सूचना बदल गई, और इसको फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाता है। यानी जिस जगह पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा या कम हो जाएगा उस जगह के आगे से पूरी जेनेटिक सूचना का बदल जाना ही फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहलाता है। दूसरे प्रकार का उत्परिवर्तन जिसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक को विस्थापित करेगा या रिप्लेस होगा, इसको प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन कहा जाता है। प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में डीएनए अणु के एक या अधिक नाइट्रोजनी क्षारक किसी दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक से विस्थापित हो जाते हैं, और ये दो प्रकार का है, संक्रमण और ट्रांसवर्सन। डीएनए में प्यूरीन और पाइरिमिडीन दो तरह के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, प्यूरीन में एडिनिन और ग्वानिन, पाइरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन। अगर प्यूरीन क्षारक को या पिरिमिडीन क्षारक को विस्थापित करता है तो इसे संक्रमण कहेंगे, और अगर प्यूरीन क्षारक पिरिमिडीन क्षारक को या पिरिमिडीन क्षारक प्यूरीन क्षारक को विस्थापित करता है तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को ट्रांसवर्सन कहा जाएगा, जिसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हसियाकार कोशिका अरक्ता सिकल सेल अनीमिया इसी वीडियो के आगे के भाग में आने वाला। इसे छोटे से चार्ट से समझ सकते हैं, प्यूरीन एडिनिन और ग्वानिन, पाइरिमिडीन थायमिन और साइटोसिन, ये डीएनए में पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। अगर एडिनिन ग्वानिन या ग्वानिन एडिनिन में बदलता है, इसमें विस्थापन होता है, या थायमिन साइटोसिन साइटोसिन थायमिन में विस्थापित होता है, तो इसको संक्रमण उत्परिवर्तन कहा जाएगा। लेकिन अगर प्यूरीन क्षारक पाइरिमिडीन क्षारक से या पाइरिमिडीन क्षारक प्यूरीन क्षारक को विस्थापित करता है तो इसको ट्रांसवर्सन कहा जाएगा। अगर गुणसूत्र में कोई भी खंड टूट जाए, कुछ नया जुड़ जाए, उलट जाए, डुप्लीकेट हो जाए, किसी भी प्रकार का अगर गुणसूत्र के खंडों में चेंज आता है तो वो गुणसूत्र उत्परिवर्तन या गुणसूत्र विपथन कहलाता है। गुणसूत्रों की संरचना अर्थात गुणसूत्र में जीन की संख्या तथा उनके विन्यास में होने वाले परिवर्तन गुणसूत्र उत्परिवर्तन या विपथन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर इसके प्रकार देखना है तो मान लीजिए ये एक जीन गुणसूत्र है जिस पे ए बी सी डी ई एफ जीन मौजूद है। अगर इसमें जीनों का विन्यास गुणसूत्र का कोई खंड इसमें उलट जाए, जैसे दिखाया गया है सी डी ई इतना हिस्सा उलट गया, तो अगर कोई हिस्सा उलट जाए, इन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रकार के गुणसूत्र विपतन को उत्क्रमण या इन्वर्जन कहा जाएगा। इसमें गुणसूत्र में विन्यासित जीनों के विन्यास का क्रम उलट जाता है, और अगर कोई जीन द्विगुणित हो जाए, डबल हो जाए,
कोई जीन, एक जीन या एक खंड डबल हो जाए तो इस प्रकार के गुणसूत्र उत्परिवर्तन को द्विगुणन या डुप्लीकेशन कहा जाता है। इसमें एक ही प्रकार के जीन एक से अधिक बार मिलते हैं। साथ ही अगर गुणसूत्र का कोई हिस्सा टूट के गायब हो जाए, चाहे बीच से चाहे अंत से कहीं से भी, अगर गुणसूत्र का कोई हिस्सा टूट के गायब हो गया तो इस प्रकार के गुणसूत्र उत्परिवर्तन को विलोपन या डिलीशन कहा जाता है, जिसमें गुणसूत्र का कोई खंड या भाग टूट के विलोपित हो गया। और चौथे प्रकार का है स्थानांतरण, जिसमें अगर एक गुणसूत्र जो कि असमजात है उसका कुछ टुकड़ा टूट के किसी दूसरे गुणसूत्र पर जाके जुड़ जाता है तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को स्थानांतरण उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसमें एक गुणसूत्र का कोई खंड किसी दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाता है। तीसरा प्रकार जो उत्परिवर्तन का है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आएगा। पिछले भाग तीन में हमने पढ़ा था कि एक जाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, और अगर इस गुणसूत्र की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन आया तो इसको प्लॉयडी कहा जाता है। किसी द्विगुणित जाति डिप्लॉयड स्पीशीज की कायिक कोशिका में यानी सोमैटिक सेल में जीनोम की दो प्रतियां पाई जाती हैं, पिछले वीडियो में हम देख भी चुके हैं। और एक जाति में गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्रों का माप एवं रचना समान होती है। अगर गुणसूत्र की संख्या में कुछ भी कमी आ जाए या गुणसूत्र संख्या बढ़ जाए तो इस अवस्था को प्लॉयडी कहा जाता है। प्लॉयडी के प्रकार की अगर बात करें तो ये दो प्रकार की है, सुगुणिता असुगुणिता, यूप्लॉयडी एन्यूप्लॉयडी। गुणसूत्रों की मूल संख्या के बराबर ही अगर गुणसूत्रों में वृद्धि या कमी होती है, जैसे अगर मूल संख्या द्विगुणित की जोड़े में है क्रोमोसोम, और मान लीजिए मनुष्य में 23 जोड़ा है, तो अगर पूरा का पूरा एक सेट ही बढ़ जाए या घट जाए तो इस प्रकार के प्लॉयडी को सुगुणिता कहा जाता है। इसमें गुणसूत्रों की मूल संख्या के बराबर ही गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। उदाहरण के तौर पे अगर ये द्विगुणित यानी डिप्लॉयड स्पीशीज है, जिसको 2n से लिखा जाता है, तो इसमें क्रोमोसोम जोड़े में है, और अगर इसमें पूरा का पूरा एक सेट ही कम हो जाए तो इसको एक गुणिता कहा जाएगा, यानी पूरा एक सेट सब में से एक एक कम हो गया। और अगर सब में एक एक बढ़ जाए या दो दो बढ़ जाए या तीन तीन बढ़ जाए तो इसको बहुगुणिता कहा जाएगा। ये जो स्थिति यहां दर्शाई गई है ये ट्रिप्लॉयड है। ट्रिप्लॉयड चूंकि क्रोमोसोम तीन तीन के जोड़े में है, चार चार के जोड़े में होंगे टेट्राप्लॉयड, पांच पांच के जोड़े में होंगे पेंटाप्लॉयड, तो इसको बहुगुणिता कहा जाता है। जब इनकी संख्या में पूरे सेट की संख्या में वृद्धि होगी तो इसको बहुगुणिता कहा जाता है। बहुगुणिता पुष्पों में अधिक पाई जाती है। दूसरा है असुगुणिता। अगर गुणसूत्रों के किसी एक सेट में कोई गुणसूत्र बढ़ जाता है या कम हो जाता है, एक या दो गुणसूत्र बढ़ जाए या कम हो जाए तो इसको असुगुणिता यानी एन्यूप्लॉयडी कहा जाएगा। इसमें गुणसूत्रों के एक सेट में से एक या अधिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के तौर पे ये अगर मनुष्य का 23 जोड़ा है तो इसमें अगर 21वें नंबर पे एक और गुणसूत्र अगर आकर जुड़ जाए तो डाउन सिंड्रोम। इसी प्रकार अगर गुणसूत्र में किसी भी सेट में गुणसूत्र के किसी भी सेट में एक भी गुणसूत्र कम हो जाए, जैसे यहां लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र कम हो गया, तो यह भी असुगुणिता कहलाएगा, जो कि टर्नर सिंड्रोम का उदाहरण है। ये अभी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो असुगुणिता को इस आधार पर हम फिर दो भाग में चाहे तो बांट सकते हैं, एक गुणसूत्रों का बढ़ जाना और एक गुणसूत्रों का कम हो जाना। बढ़ जाना हाइपरप्लॉयडी, कम हो जाना हाइपोप्लॉयडी। तो इस प्रकार प्लॉयडी दो प्रकार की है। अगर पूरा का पूरा सेट बढ़ता या घटता है तो इसे सुगुणिता, और अगर सेट में जो गुणसूत्र जोड़े में है उनमें किसी एक में कोई बदलाव आता है, कोई नया गुणसूत्र आ जाए, कुछ कम हो जाए, तो इस प्रकार को असुगुणिता कहा जाएगा। विभाजन के समय गुणसूत्र अलग नहीं हो पाते हैं, जिससे इस प्रकार की स्थितियां सामने आती हैं। बच्चों, अभी तक हमने तीन प्रकार का उत्परिवर्तन देखा। एक जीन में उत्परिवर्तन, अगर जीन में कोई बदलाव आ रहा है, एक गुणसूत्र में कोई बदलाव आ रहा है, और एक गुणसूत्र की संख्या में बदलाव आ रहा है। तो ये बदलाव किन वजहों से आते हैं? कुछ कारक हैं जिनको म्यूटाजेंस कहा जाता है, उत्परिवर्तजन। ये कारक गुणसूत्र या जीन में या गुणसूत्र की संख्या में बदलाव लाने में सक्षम है, और ऐसे कारकों को उत्परिवर्ती कारक या म्यूटाजन कहा जाता है। ये कारक भौतिक, रासायनिक या जैविक मूल के एजेंट हैं।
जो किसी अनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन कर सकते हैं और उत्परिवर्तन की आवृत्ति को बढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से इनको तीन भाग में बांटा जा सकता है, भौतिक म्यूटाजेंस जिसमें एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे आदि, रासायनिक उत्परिवर्तजन जिसमें नाइट्रस एसिड, ब्रोमीन के कुछ यौगिक, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, हाइड्रोजन परऑक्साइड आदि, और जैविक उत्परिवर्तजन जिसमें वायरस आ जाएंगे। बच्चों यहाँ तक हमने जीन, गुणसूत्र और गुणसूत्र की संख्या में बदलाव देखा, तो इन बदलाव की वजह से कोई ना कोई कमी ज़रूर आने वाली है, कोई ना कोई विकार पैदा होगा मनुष्यों के अंदर। तो उन विकारों को अब हम एक जिस कैटेगरी में पढ़ेंगे वे है मानव में आनुवंशिक विकार। इससे पहले कि मैं विकार पे जाऊं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जीव विज्ञान की जो शाखा जिसमें मनुष्यों में वंशागत होने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे यूजेनिक्स या मानव आनुवंशिकी कहा जाता है। सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने 1883 में मानव आनुवंशिकी की नींव डाली थी और इन्होंने इसमें इतना प्रमुख कार्य किया है कि इनको मानव आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मानव वंशागति में कुछ समस्याएं आती हैं। मॉर्गन ने अपने ड्रोसोफिला और मेंडल ने अपने मटर के पौधे पे जो संकरण कराया था उस प्रकार मनुष्यों में संकरण नहीं कराया जा सकता है और मनुष्यों में वंशागति के अध्ययन में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे मनुष्यों में प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारी सामाजिक कठिनाइयां हैं, हम सामाजिक बंधनों में बंधे हैं तो इस प्रकार हमारे ऊपर प्रयोग नहीं किए जा सकते। साथ ही हमारी जनन क्षमता भी लगभग 20 वर्षों में आती है और संतान उत्पत्ति की दर भी मनुष्यों में कम है और मनुष्यों में मिश्रित पूर्वजता पाई जाती है जिसकी वजह से शुद्ध लक्षण प्राप्त करना कठिन होता है। तो मानव वंशागति को अध्ययन करने के लिए किसी कुटुंब का चयन किया जाता है और उस कुटुंब की वंशावलियों में किसी लक्षण का अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार के अध्ययन को वंशावली विश्लेषण कहा जाता है। विशेष आनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले कुटुंब की वंशावलियों, किसी फैमिली को चुन लिया और उस फैमिली की वंशावलियों को देखा और उसमें किसी एक आनुवंशिक लक्षण को चुनकर उनकी वंशागति को पढ़ना, ये वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। फ्रांसिस गाल्टन ने मानव कुटुंब में कुछ लक्षणों की वंशागति की व्याख्या की थी जिसमें वर्णांता, हसियाकार, कोशिका, अरक्तत्व आदि हैं जो अभी इसी वीडियो में आगे आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वंशावली विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में जिन सिंबल्स का इस्तेमाल होता है वो सिंबल यहाँ बने हुए हैं। नर के लिए सिंबल स्क्वायर का है, मादा के लिए गोल सिंबल, सारे सिंबल यहाँ बने हैं। अगर व्यक्ति प्रभावित है तो उसके खाने को रंग दिया जाता है और मैथुन यानी विवाह को इस प्रकार दर्शाया जाता है और अगर विवाह संबंधियों में हो रहा है, रिश्तेदारी में हो रहा है तो इसको इस प्रकार दिखाया जाता है। जनक को ऊपर रखा जाता है, संतति को नीचे रखा जाता है और बाएं से दाएं जन्म के अनुसार इनको बनाया जाता है और जो रोग से प्रभावित होगा उसके बॉक्स को रंग दिया जाएगा। आइए वंशावली विश्लेषण का एक उदाहरण देखते हैं। अगर वंशावली विश्लेषण का उदाहरण देखें तो यहाँ पर नर मादा सिंबल से दिखाया गया है, मादा प्रभावित है और इसी प्रकार इनके जो अगली पीढ़ी में जो इनके बच्चे हैं उनको उनके सिंबल से दर्शाया गया है और जो प्रभावित हैं उनको रंग दिया गया है। तो इस प्रकार अलग अलग पीढ़ी को देखा गया है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई लक्षण का फिनोटाइप एक पीढ़ी को छोड़कर सामने आए, यानी जनरेशन को स्किप कर रहा हो, कोई लक्षण अगर जनरेशन को स्किप कर दे, एक पीढ़ी को छोड़ दे, दो पीढ़ी छोड़ दे, तो ऐसे लक्षण अप्रभावी होंगे और यदि कोई लक्षण हर पीढ़ी में सामने आए तो ऐसे लक्षण प्रभावी लक्षण होंगे। तो इस आधार पर मुझे उम्मीद है आप पहचान सकते हैं कि यहाँ जो लक्षण दिखाया गया है वो अप्रभावी है कि प्रभावी है। और अगर कोई लक्षण नर से मादा में और मादा से नर में हर पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, तो इसका मतलब उस लक्षण की जीन लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित है और इस प्रकार मानव की वंशावलियों की स्टडी की जाती है। तो आइए अब बात करते हैं उन विकारों की जो मानव में आनुवंशिक विकार जो पैदा होते हैं। मानव में आनुवंशिक विकारों को दो भाग में बांटा जाएगा, एक मेंडेलियन विकार, अगर किसी एकल जीन में रूपांतरण हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है तो इसे मेंडेलियन विकार कहा जाएगा, और अगर गुणसूत्र में की संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो इसे क्रोमोसोमल विकार कहा जाएगा।
मेंडेलियन विकार। मेंडेलियन विकार की अगर बात करें, यानी एक जीन में, एकल जीन में कोई उत्परिवर्तन होने जा रहा है, तो मेंडेलियन विकार में अलिंग संलग्न विकार, यानी वो जीन जो ऑटोसोम यानी दैहिक गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, अगर उनमें किसी प्रकार का विकार आता है तो वो कौन कौन से लक्षण हैं। सबसे पहले हसियाकार कोशिका अरक्तता, यह एक ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल अलिंग, जिसकी जीन दैहिक गुणसूत्र पर उपस्थित है, अप्रभावी है, यानी जब दोनों गुणसूत्र पर, दोनों समजात गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होगी तभी यह प्रभाव दिखा पाएगी। यह जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जब दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। ये जो विकार है इसका निर्धारण एलील HBA और HBS के द्वारा होता है। HBA एक सामान्य जीन है जो कि हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, जिसमें छठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड, अमीनो एसिड पाया जाता है। जबकि हसियाकार कोशिका अरक्तता की जो जीन है, जो इसी जीन का म्यूटेटेड फॉर्म है, यानी इसमें उत्परिवर्तन हो चुका है, ये जीन केवल एक उत्परिवर्तन हुआ है जिसमें टी थाइमीन की जगह पे एडिनिन आ गया है। थाइमीन एक पाइरिमिडीन है और एडिनिन एक प्यूरीन है, तो चूंकि एडिनिन थाइमीन को विस्थापित कर रहा है तो इसलिए ये एक सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है जो ट्रांसफर्सन कहलाएगा। तो जब इसमें म्यूटेशन होगा तो इस एक छोटे से म्यूटेशन की वजह से जो mRNA बनेगा उसमें परिवर्तन होगा, और जब mRNA में परिवर्तन होगा तो फिर इस छठवें नंबर के वैलिन आ जाएगा, और इस एक परिवर्तन की वजह से जो RBC का शेप है, जो उसका आकार है, वो द्वि अवतल बिंब से यानी कि बाइकॉनकेव से वो दात्राकार या हंसिए के आकार जैसा हो जाएगा। रोग का लक्षण, तीन संभव फिनोटाइप, क्योंकि HBA और HBS का तीन संभव फिनोटाइप है, HBA 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 HBS और HBS HBS, तो तीन संभव फिनोटाइप में केवल HBS HBS यानी जो समयुग्मकी व्यक्ति होगा उसी में दर्शित होता है। समयुग्मकी में विषम युग्मकी व्यक्ति रोग का वाहक होगा। जो अगला विकार है वो फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया ये भी एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी लक्षण है, जिसमें रोगी व्यक्ति में फेनाइल एलिनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है। फेनाइल एलिनिन टायरोसिन यह हमारे शरीर में टायरोसिन में बदलता है, और इसको बदलने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है फेनाइल एलिनिन हाइड्रोलेज। ये एंजाइम फेनाइल एलिनिन को टायरोसिन में बदलती है, और इसके जीन में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए तो ये एंजाइम काम नहीं करेगी, और ऐसे केस में हमारे शरीर में, हमारे रक्त में फेनाइल एलिनिन जमा होने लगेगा, और इसके जमा होने की वजह से फेनाइल पाइरूविक अम्ल और अन्य व्युत्पन्न सामने आएंगे, जिसकी वजह से मानसिक दुर्बलता सामने आएगी, और साथ ही साथ ये मूत्र के साथ भी विसर्जित होते जाते हैं। इस प्रकार के विकार को फेनाइल कीटोन यूरिया कहा जाता है। तीसरा जो विकार है वो एक रक्त का विकार है, जो अलिंग क्रोमोसोम लंग सहलंग अप्रभावी यानी ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, ये रक्त का विकार है। इसमें भी रक्त में हीमोग्लोबिन की श्रृंखला प्रभावित होती है। हीमोग्लोबिन चार प्रोटीन श्रृंखला से बना है, 2 अल्फा 2 बीटा। यह विकार हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला, अल्फा एवं बीटा, किसी भी श्रृंखला की संश्लेषण दर में कमी आने की वजह से होता है। जब जनक युगल के दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक होंगे यानी विषम युग्मकी होंगे, तब यह संतति को वंशानुगत प्राप्त होगा, यानी यह जीन जब माता पिता दोनों में पाई जाएगी तभी ये अगली पीढ़ी में संतति को प्राप्त होगा और संतति रोगी होगी। परिणामतः विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है तथा रक्ताल्पता एनीमिया हो जाती है। अगर इसके प्रकार की बात करें तो अगर अल्फा चेन में डिस्टर्बेंस आया, अल्फा श्रृंखला में बदलाव आया, तो इस प्रकार के थैलेसीमिया को अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन या बीटा प्रोटीन में अगर कोई बदलाव आता है तो इसको बीटा थैलेसीमिया कहा जाएगा। इसमें अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है और उसमें बीटा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है। इस रोग का नियंत्रण क्रोमोसोम 16 पर दो जीन HBA1 HBA2 इसके द्वारा नियंत्रित होता है, और इस रोग का नियंत्रण क्रोमोसोम 11 पर एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है। यह चार विकल्पी एलील, चूंकि 2 एलील इसके 2 एलील इसके,
में से किसी एक अथवा अधिक जीनों के उत्परिवर्तन या अथवा विलोपन के कारण अभिलक्षित होता है, और ये एक अथवा दोनों जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो इस प्रकार थैलेसीमिया दो प्रकार का है। अब बात करते हैं लिंग सहलग विकार की, जिसमें वर्णांतर यह एक सेक्स लिंग रिसेसिव ट्रेट है, यानी इसकी जीन लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित है। इस विकार में लाल अथवा हरे वर्ण संवेदी शंकु ये त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता है, उसमें भेद नहीं किया जा सकता है। लगभग 8% पुरुषों में एवं 0.4% नारियों में यह विकार पाया जाता है, क्योंकि नारियों में जब ये दोनों गुणसूत्र पर होगा तभी ये रोग सामने आएगा, परंतु पुरुष में अगर ये एक्स गुणसूत्र पर पाया जाएगा तो ये नर रोगी हो जाएगा। इसीलिए लगभग 8% पुरुष एवं 0.4% नारियों में यह विकार पाया जाता है। अगला जो विकार है वो भी एक लिंग सहलग अप्रभावी लक्षण है, जिसको हीमोफीलिया कहा जाता है। इसमें रुधिर थक्का नहीं बनता और इससे संबंधित एक एकल प्रोटीन वो प्रभावित होता है, जिससे रुधिर का निकलना बंद नहीं होता। जब कभी कोई चोट लगती है तो रुधिर बहता चला जाता है, और इसके बहने की वजह से जो बीमारी होती है उसको हीमोफीलिया कहा जाता है। विषम युग्मजी नारी वाहक से यह रोग पुत्रों में जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि विषम युग्म की मादा से ये रोग पुत्रों में जाएगा और पुत्र रोगी हो जाएगा। नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है। वजह यही है कि जब तक ये दोनों गुणसूत्र पर नहीं उपस्थित होगा तब तक मादा रोगी नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल विकार की, यानी जिसमें गुणसूत्र की संख्या में अगर कोई परिवर्तन आए। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम 21 ट्राइसोमी। इस आनुवंशिक विकार में 21वें क्रोमोसोम में एक गुणसूत्र बढ़ जा रहा है, और इसकी वजह से जो विकार आएगा उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाएगा, यानी 21 की त्रिसूत्रता। और सबसे पहले इस विकार को लैंगडम डाउन ने 1866 में खोजा था। ऐसे व्यक्ति छोटे कद और छोटे गोल सिर वाले होते हैं, जीभ में खांच पाई जाती है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। साथ ही चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक पाम कीज, यानी अगर आप इनके हाथ को देखेंगे, पहले आप अपने हाथ को देखिए तो सीधी दो रेखाएं दिखाई देंगी, एक और एक दो, मगर इनके हाथ में केवल एक रेखा दिखाई देगी, जो इस बीमारी विकार का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध रहता है। दूसरा जो प्रकार है क्रोमोसोमल विकार में वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें लिंग गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है, और इस एक एक्स गुणसूत्र के बढ़ने की वजह से क्रोमोसोम संख्या 47 हो गई, एक बढ़ गई। और ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से तो पुरुष होते हैं, परंतु इनमें मादा लक्षण भी व्यक्त हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं। अगर लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र कम हो जाए तो जो विकार सामने आएगा उसका नाम है टर्नर सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जा रहा है, जिससे गुणसूत्र की संख्या 45 हो जा रही है, और ऐसी नारियां बांझ होती हैं, और इनके अंडाशय अल्पवर्धित यानी विकसित नहीं होते हैं, और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का भी अभाव होता है। तो बच्चों, आज हमने उत्परिवर्तन के बारे में जाना। इन उत्परिवर्तन से जो विकार सामने आएंगे, हमने उन विकारों को भी दो कैटेगरी में देखा, एक मेंडेलियन विकार और दूसरा क्रोमोसोमल विकार, और साथ ही मानव में किस प्रकार वंशागति का अध्ययन किया जाएगा ये हमने पेडिग्री एनालिसिस में देखा। मैं आपको यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य दे रहा हूँ, अगर आप इन अभ्यास कार्यों को कर लेते हैं तो इसका मतलब आप कुछ वीडियो समझ में आ गया है, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिएगा।